बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मुश्किल हालातों से घिरे लोगों के लिए मदद का सबसे बड़ा जरिया बनकर सामने आए हैं। सोनू सूद को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। साथ ही पंजाब सरकार ने सोनू सूद को स्टेट आइकन ऑफ पंजाब के खिताब से भी नवाजा है। अब सोनू सूद के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। सोनू सूद ट्विटर पर सबसे ज्यादा एंगेज रहने वाले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। एक सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म ट्वीटीट ने अक्टूबर के विश्लेषण की रिपोर्ट जारी की है। ट्वीटीट ने जिन कैटेगरी के बीच ये एनालिसिस किया उनमें राजनेता, पत्रकार, बिजनेस लीडर्स, फाउंडर और इन्वेस्टर्स, खिलाड़ी, शेफ, लेखक, कॉमेडियन और मूवी स्टार्स शामिल हैं। अभिनेताओं की लिस्ट में सोनू सूद टॉप पर है। 2.4 मिलियन एंगेजमेंट के साथ सोनू सूद ने इस सूची में टॉप किया है। इस मामले में सोनू ने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े अभिनेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर सभी कैटेगरी को जोड़ दिया जाए तो सोनू इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। पीएम मोदी इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर है। दूसरा नंबर राहुल गांधी का है। तीसरे पर विराट कोहली है और चौथे पायदान पर सोनू है। अभिनेताओं की लिस्ट में सोनू सूद ने 2.4 मिलियन एंगेजमेंट के साथ अव्वल स्थान हासिल किया है, तो वहीं दूसरे नंबर पर 7.3 लाख एंगेजमेंट के साथ शाहरुख खान है। अक्षय कुमार 6.72 लाख एंगेजमेंट के साथ तीसरे स्थान पर है। अनुपम खेर को 4.2 लाख एंगेजमेंट के साथ चौथा और रितेश देशमुख को 4.2 लाख एंगेजमेंट के साथ पांचवा नंबर हासिल हुआ है। ये तो सब जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सोनू सूद ने लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया को ही बनाया था। वह ज्यादा से ज्यादा लोगों से ट्विटर के माध्यम से ही जुड़े रहे। लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करने का सोनू का ये सिलसिला लॉकडाउन के समय शुरू हुआ था, जब सोनू ने मुंबई में फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने और खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाने की मुहिम शुरू की थी। देखते ही देखते ये मुहिम एक मिशन बन गई। एक के बाद एक जरूरतमंद लोग सोनू सूद से सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगते गए और सोनू अपने सफर पर आगे बढ़ते गए। सोनू सूद ने न सिर्फ प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुँचाने का काम किया बल्कि अब उनकी मदद के लिए दायरे का भी विस्तार हो चुका है। जल्द ही सोनू अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। सोनू की यह किताब अगले महीने दिसंबर में लॉन्च होने वाली है। किताब का टाइटल है मैं मसीहा नहीं। इस किताब में सोनू ने अपनी जिंदगी के उसी सफर का उल्लेख किया है जिसके बाद उन्हें मसीहा या सुपर हीरो कहा जाने लगा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।